हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज 20 तारीख ठीक है, और आज मेरी बाइक का बर्थडे है, यानी कि एक साल हो गया मेरी बाइक को। आज 20 जनवरी 2024 है, 2024 भाई मेरी बाइक को एक साल हो गया है, और आज मैं अपनी बाइक का बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाला हूँ। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं केक लेके आया हूँ। देखो, एक तो मेरे पास ये रहा, ठीक है, और बाइक दिखाऊँ मैं अपनी बाइक भी। भाई मैंने कल बिल्कुल एकदम अच्छी तरह कपड़े वगैरह मार के अच्छी तरह एकदम चमचमा दी थी, और एक बार मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मेरी बाइक। अरे ओए हट जा, परेशान मत कर मेरी बाइक में। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। ये देखो भाई, दिख गए ना भाई। भाई अभी निकलते हैं घर के लिए, घर जाके बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे भाई बाइक का। और बाइक तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि नाम तो इसका ईगल है, तो ईगल का जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और चलते हैं घर। और भाई अभी इसके अलावा कुछ और सामान ले लगा तो और सामान ले लेंगे, और फिर अभी घर के लिए निकल रहे हैं। A few moments later. तो भाई यार, अभी पहले घर जाने से पहले एक बार पिज्जा टाउन पे आए हैं। पिज्जा टाउन पे आने के बाद बस हमें एक पिज्ज़ा लेना है, बर्गर लेना है, और फिर चलते हैं घर। बाइक देखो, पिज्जा टाउन के जस्ट सामने खड़ी है। ये रही अपनी बाइक, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई मैंने कल इसको फिर से अच्छी तरह ठीक किया है, वाइब्रेशन वगैरह ख़त्म किया, लीवर गार्ड हटा दिए क्योंकि कल टूट गए थे, कल नहीं दो दिन पहले टूट गए थे, और एक मिरर टूट गया था राइट साइड का, तो हमने मिरर रिमूव कर दिए और लीवर गार्ड रिमूव कर दिए। और भाई बाइक की वाइब्रेशन वगैरह थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हमने खुद खोल के, ठीक है। तो बाइक को एकदम चमचमा दिया है, इसको एक नया मतलब ये लगा लो बिल्कुल नई लुक दे दिया फिर से। नई नहीं बोल सकते, पुरानी बोलेंगे। तो चलते हैं भाई, भाई जाके एक बार पिज़्ज़ा वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। भाई जस्ट पिज़्ज़ा टाउन में 15 मिनट वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा लोकेशन अंदर से कैसी है। देखो देखो, दरिंद की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जानते हो इस बंदे को? ये बंदा मुझे उठा के लाना पड़ा, मरीज हो रहा है बिल्कुल। मैंने इसका कहा चलो फ्री का खाने चलते हैं। चलते हैं फ्री का खाने। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फ्री का कुछ नहीं है, मतलब मैं इसको खुद ही लेके आया था। तो मैं बोल रहा चल चलते हैं घूमने, इसको ये भी नहीं पता मैं लेके कहाँ जा रहा था इसको, तो अब यहाँ से पता चला इसको मैं लेके कहाँ जा रहा था। तो अब जस्ट अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है, मैंने पिज़्ज़ा वगैरह कराए हैं, बर्गर कराए हैं, तो अभी लगा रहे हैं। ये कह रहा 20 मिनट, तो मान लो 20 मिनट तो लगेंगे। मैं ठीक है, बैठते हैं हम फिर यहाँ से, बर्गर वगैरह पैक करा के चलते हैं घर। भाई अगर रास्ते में और कुछ मिलेगा ठीक, वरना अभी तुम सीधा घर ही जाएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़े दिन, जो हमारे पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाएंगे हमें, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ली थी मैंने। तो भाई लोग, हम आ चुके अपने घर। मैंने आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखाई जो मैं बोल रहा था कि भाई वहाँ से निकलेंगे पिज़्ज़ा लेंगे, जब उस टाइम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा दूँगा, मैंने नहीं ली। हमें थोड़ा जल्दी निकलना था इसलिए हमने वहाँ से क्लिप रिकॉर्ड नहीं की। तो मैं घर पहुँच कर मैं दिखाऊँ आपको केक कौन सा लिया था और हमने क्या नाम लिखवाया है। तो मैं आपको एक बार केक दिखाता हूँ, तो एक बार केक की तरफ देखो। तो भाई केक ये रहा हमारा, हमने एक तो ये स्पार्कल ये वाली कैंडल लिया, फिर हमने केक खोला, तो ये देखो भाई ये है अपना केक, देख लिया भाई, नाम भी लिखवाया हमने, ठीक है। ये पिज़्ज़ा है, वो बर्गर रहे, ये रहा खाने वाला। तो भाई हम लगा रहे बाइक में चक्कू, ये रहा हमारे पास चक्कू, देखो मैं दिखाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो अभी एक बार बांधते फिर दिखाते आपको। तो भाई मैंने लगा लिया नाइफ, मैं एक बार आपको नाइफ दिखा देता हूँ। मैंने उसके टायर में नाइफ लगा लिया है, और मैं एक बार नाइफ दिखा देता हूँ किस तरह लगाया मैंने। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये हमने यहाँ पे नाइफ लगा लिया है। जस्ट अभी हमने केक तो फ्रीज वगैरह हम धर दिया था कि अभी मेल्ट ना हो, हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। ये हमारी बाइक दिख रही है, तो भाई थोड़ी देर में केक काटेंगे। लव यू ईगल। तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर काटेंगे केक, जब तक मैं नहा लेता हूँ, अगर टाइम बचेगा तो उस नहाने से पहले या तो काट लूँगा अभी केक, या तो नहाने के बाद काटूँगा। तो मम्मी अभी रोटी बना रही है। तो भाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना
ट्राईपोड निकाल लिया है तो इसको सेट करते हैं। उसके बाद सेट करके इसको यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ से रिकॉर्ड होगा, जो भी हम करेंगे वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ इसको वाइड एंगल पर रख के रिकॉर्ड कर लेंगे। तो करते हैं अपना ट्राईपोड सेट, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में ट्राईपोड सेट करने के बाद। तो भाई लोग, मैंने जस्ट अभी स्पार्कल ले लिया है और मैं केक में लगाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना मोबाइल को थोड़ा दूर रख दिया था, इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे स्पार्कल रखा। मेरे साथ एक सीन और हो गया था कि स्पार्कल जो कैंडल थी वो चल नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया बट चल नहीं रही। आप देखो एक और वीडियो में मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो मैं जस्ट अभी माचिस लेके आया हूँ, स्पार्कल चसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्पार्कल चस नहीं रही है। देखो मैं एक बार आपको वीडियो में दिख रहा होगा भाई, मैं खूब ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्पार्कल जो चस नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे स्पार्कल चसाने की। अगर स्पार्कल नहीं चस दिया तो हम इसको उतार के साइड में रख देंगे, बिना स्पार्कल के ही हम केक कट करेंगे। अभी भी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, क्या पता चस जाए, क्या पता मेरा लक सही हो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने जस्ट इसमें फायर किया है तो अगर चस जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मे भी चस भी जाए तो हल्की सी आग तो लगी है इसमें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार कुछ हो पाएगा। तो अगर आपके पास नहीं चसा तो भाई मैं इसको साइड में डाल दूँगा। भाई लास्ट में परेशान हो के फिर मैंने कैंडल फेंक दी। मैंने बिना कैंडल के ही केक कट किया तो केक में उठा लिया। और केक कट करने वाले हैं तो अपनी ईगल को एक बार हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो हैप्पी बर्थडे ईगल। और मैंने प्रिंस को बोल दिया था कि इसको हल्का सा आगे कर दे, क्योंकि केक कट गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। ईगल से केक कटा है तो हल्का सा केक मैं ईगल पे भी लगा देता हूँ। तो मैं पहले नाइफ हटा लेता हूँ, एक बार हल्का सा खींच में से निकल जाएगा। खींच गया तो मैंने निकाल लिया नाइफ। अब मैं हल्का सा काट के ईगल को लगा देता हूँ, क्योंकि ईगल का ही बर्थडे था, ईगल को ही पहला बाइट जाना चाहिए। तो मैंने ईगल को पहला केक का फर्स्ट बाइट खिला दिया। तो बाकी फिर मम्मी ने मुझे खिलाया। ये देखो मम्मी ने मुझे खिलाया। उसके बाद प्रिंस मेरे भाई ने खिलाया। फिर देखो यहाँ पर मैं थोड़ा साइड हो गया था, तो ये पहले मैंने भाई को खिला दिया, उसके दाल सामने दिए। वो अपनी बहन ने खवा रहा है, तुम खाई ना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तब हमने अपना केक कटिंग कर लिया, बाइक से हमने केक कटवाया और थोड़ा सा केक लगा दिया। ये रहा है भाई, से गाल के लगा दिया उन्हें। तो भाई देखो केक देख लो फिर से, फोटो वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो भाई केक कटिंग हो गई है, बाइक देख लो अपनी। तो भाई केक वगैरह हमने काट लिए, ठीक है। मैं दिखाऊं तो आपको एक बार बाइक की कंडीशन। अभी हमने बाइक पे केक वगैरह भी लगाए थे। तो ये रही भाई अपनी बाइक, यहाँ पे हमने केक वगैरह लगा दिए थे। तो थोड़ा बहुत केक वगैरह हमने काट लिया, साइड में रख लिया, ठीक है। तो हमने इसमें लगा दिया है। भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपने भी अपनी बाइक का सेलिब्रेशन किया इस तरह वो भी एक बार ज़रूर बताना मुझे। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हार्ड, और मेरी बाइक के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।